नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जनसुनवाई के लिए अब इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा नई व्यवस्था की गई है। जनसुनवाई के तमाम आवेदनों को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे कि आवेदक का पूरा रिकॉर्ड जनसुनवाई में कब क्या फॉलो हुआ है वो किसी भी समय मिल सके। आवेदक के पहले शिकायत या आवेदन के पहले प्रश्न का फोटो लेकर उसे अपलोड किया जाएगा और उसका फॉलोअप भी दिया जाएगा। दिव्यांगों की जनसुनवाई भी उसके पास पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय के प्रथम तल में होगी, जहां कलेक्टर आशीष सिंह खुद भी सुनवाई के लिए पहुंचेंगे और तमाम विभाग के अधिकारी भी। आचार संहिता के बाद पहली जनसुनवाई कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सुनी गई और सभी विभागों में अलग अलग ADM द्वारा जनसुनवाई सुनी गई। समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किए गए। स्कूल संबंधित शिकायतें भी जनसुनवाई में आई कलेक्टर के चमक सुनी गई हैं और जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ऐसे कई मामले जनसुनवाई में आए हैं, ADM और कलेक्टर के समक्ष सुने गए हैं और सभी को जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए, आज जनसुनवाई की नई व्यवस्था हम लोगों ने चालू करी है और इस व्यवस्था के तहत जितने भी आवेदन जनसुनवाई के प्राप्त हो रहे हैं उन सभी आवेदनों का जो पहला पृष्ठ है उसको अपलोड भी किया जा रहा है कंप्यूटर में स्कैन करके, जिससे कि भविष्य में उसका रिकॉर्ड रहे और उसके साथ साथ उसका फॉलोअप भी हम लोग लेते रहें कि जनसुनवाई के जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उन पे क्या आगे कार्रवाई हुई। तो निश्चित रूप से अपलोडिंग में थोड़ा समय लगता है। पहले पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे, लेकिन चूंकि वहाँ पर लाइन लंबी हो रही थी इसीलिए केवल पहला पेज अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है। आज पहला दिन है, ये व्यवस्था सुचारू ढंग से कुछ समय में चालू हो जाएगी, लेकिन हमारा उद्देश्य हमारा जो फोकस है उस चीज़ पर है कि प्रत्येक आवेदन का कम से कम पहला पृष्ठ हम लोग अपने पास में स्कैन करके रखें, जिससे कि उसका फॉलोअप हो सके। जिस अधिकारी को उसका निराकरण करना है सीधा वो आवेदक उस तक पहुंच जाए, बीच में किसी पर्ची वगैरह का सिस्टम ना हो, जिससे कि उसकी बात रखी जा सके और अगर संभव हो तत्काल मौके पर ही निराकरण हो। दिव्यांगों हेतु जो व्यवस्था है वो पूर्ववत जैसी थी पहले वैसी ही चालू रहेगी। जो बीच में नीचे का स्थान है वहीं पर दिव्यांग अपनी कुर्सी पर बैठेंगे और उन्हीं से सामाजिक न्याय विभाग के लोग हों या हम हों, सभी लोग वहीं पर जाके उनकी सुनवाई करेंगे। और कुछ जो आवेदक आए हैं, चाहे वो एडिशनल कलेक्टर के पास गए हों या कोर्ट ऑफिसर्स के पास गए हों, ऐसी जो प्राथमिक सूचना मिली है कि मौके पर ही उनका आवेदनों का निराकरण हो रहा है और निश्चित रूप से जो ये व्यवस्था है इसमें आगे भी और सुधार किया जाएगा। हम परेशानी ये लेकर आए हैं कि हम जहाँ निवास करते हैं सुदामा नगर लिंक रोड पर, वहाँ हमें आज से 40 से 45 साल पहले दयाल गुरु जी ने बसाया था और हमारे पिताजी वगैरह उनके वहाँ काम भी करते हैं। और अभी क्या है, दो दिन से अनाउंसमेंट हुआ और नगर निगम की गाड़ियाँ घूम रही हैं और बोल रही कि अपनी झोपड़ियाँ हटा लो और ना बुलडोजर चला दें। कहाँ पर है ये सुदामा नगर लिंक रोड? तो आपके घर में कोई गोरद्वार कुटकोटी से टच है, तो आपको पट्टे वगैरह कुछ दिए गए? हमें पट्टे वगैरह पहले से नहीं दिए गए और अभी भी कोई हमें सूचना नहीं करी गई है, सिर्फ ये मुखाग्र बोला जाता है और लिखित में कोई हमें तो मतलब नोटिस नहीं दिया गया और ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप लोग मल्टी में जाओ, 20,000 रुपये भरो और आपको हटाया जाए। कितने वर्ष से आप निवास कर रहे हैं? हम यहाँ करीब 40 से 45 वर्ष हो। क्या बोला अधिकारी ने आपको, आप मिले आज उनसे जनसुनवाई में? अधिकारी से उन्होंने बोला है कि अभी हम बोले मंथन करेंगे इसको और फिर इसका जवाब देंगे। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश पालके। कहाँ से आप? सुदामा नगर की झोपड़ी। और इसकी कंपनी का जो कॉलोनाइजर है ठोलिया कॉलोनाइजर, जिसका मालिक है रमेश पिता हनुमान चौधरी, जिसका ऑफिस श्रीनगर एक्सटेंशन मंगलम रेसिडेंसी में स्थित है, वो भी लगभग महीने में 29 दिन फरार रहता है, एक दिन कभी गलती से यहाँ आ जाता है तो किसी को मिलता नहीं है वो। उसके द्वारा हमारे पैसों से जेगुआर और फॉर्चूनर गाड़ियाँ खरीदी गई है, प्लाट खरीदी गए स्कीम नंबर 140 में और इसके संबंध में ओमान में कंसल्टेंसी डाली गई है हम लोगों के पैसे से ही। अगर हम जाते हैं तो हम लोगों को आँख दिखाते हैं और इसमें हो सकता है तीसरे लोग जो गुंडे मवाली हैं या जो उनको सपोर्ट करें वो भी इन्वॉल्व है और हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है भैया कि आप लोग आपकी शिकायतें वापस लो। हम CM हेल्पलाइन पे भी गए, पिछले 2 महीने से शिकायत कर रहे हैं, इसमें इस संबंध में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाने से हमको फ़ोन यही आता है कि आप अपनी शिकायतें वापस लो। कल को अगर हमारे साथ इंडिविजुअल व्यक्ति को उन्होंने घेर के अगर मारा कूटा तो भैया हमको कौन सहायता देगा? आपका नाम? मेरा नाम आलोक गौर है, मैं पीड़ित हूँ इसमें हम लोगों के द्वारा 6। सर मैं इंदौर से ही हूँ, मेरा नाम मनीष जैन है। हम लोगों ने सबने मिलके ओम साई रेसिडेंसी में प्लॉट खरीदे थे जो रिंग नोदिया में
स्थित है। फ्रॉड करके हमारे को 40-50% पैसा लेके प्लॉटों का 100 रुपये पे एग्रीमेंट किया गया है। अब जब हम उसकी रजिस्ट्री के लिए डेवलपर के पास पहुंचते हैं तो बोलता है किसान ने फ्रॉड किया है, वो ज़मीन देने को तैयार नहीं है। कुछ गणमान्य भूमाफियाओं का इसमें हाथ है इंदौर और उज्जैन के, जो लोग किसान को ये बरगला रहे हैं कि तेरी ज़मीन का भाव 2 साल में बढ़ गया तो इनको प्लॉट मत दे। अब 300 लोग पीड़ित हैं, इसका कुछ निराकरण करवाने के लिए हम जन सुनवाई में आए। हमने CM हेल्पलाइन पे भी इसकी कंप्लेंट डाली है। दूसरा जो मेन चक्कर है इसके अंदर, जो SS रियल्टी मार्केटिंग का महेश यादव है ये फरार है, और बिल्डर जो रमेश चौधरी हैं ये बार बार विदेश जा के भाग जाते हैं, 2-3 महीना अपना फ़ोन बंद रखते हैं, और कुछ लोगों द्वारा हमें धमकाया जा रहा है कि आपकी कंप्लेंट वापस ली जाए। आपने अभी यहाँ पे अधिकारी से मिले हैं? जी। क्या बोला गया? अधिकारी ने यही बोला कि भाई आपकी कंप्लेंट को सुना है, हम इसकी तहकीकात करके 2-4 दिन में आप लोगों को फ़ोन करके बुलाएंगे। अब जो भी होता है साहब लोगों के ऊपर है, हम तो बड़ी आस लेके अधिकारी के पास आए हैं। अब निराकरण होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।